हेलो स्टूडेंट, आपका चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज जो है ये हिंदी डिक्टेशन का दूसरा पैराग्राफ है आज हम बोलने चल रहे हैं, जो 80 की स्पीड से बोलेंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, आउटलाइन बनानी है, उसके बाद अपने आउटलाइन को ट्रांसक्रिप्ट करना है हिंदी में, और उसके बाद अपना मैच करके फिर उसमें जो करेक्शन है उसको करेक्ट करके, अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में उस वर्ड को कमेंट करें, हम उसके उसकी आउटलाइन बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम डिक्टेशन बोलते हैं। रेडी? अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी निजी क्षेत्र की साख गिराने के लिए निंदा की है, क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप पिछले वर्षों के उन तमाम भाषणों को जो दिए गए हैं और जिन्हें सुनना पड़ा है, देखा जाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की निंदा की गई है, क्या आपको यह नहीं लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का अपना योगदान है और देश को सार्वजनिक क्षेत्र ने ही यह ढांचा दिया है, जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर पाए हैं और आप सबकी निजी क्षेत्र की सहायता कर पाए हैं? आप यह ना भूल जाए कि निजी क्षेत्र इसलिए आगे बढ़ पाया है कि सरकार ने उसे संरक्षण दिया है, उसकी सहायता की है। अगर सरकार ने यह भिन्न नीति अपनाई होती तो वह आज इस आधार का निर्माण नहीं कर सकता था जो उसने किया है। इसलिए आपको और हमको अपनी समस्याओं को देश के व्यापकतर परिप्रेक्ष्य में देखना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है, जहां अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा हो, वहां आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। ऐसे वातावरण में और अधिक आर्थिक समता लाने की कोई भी कोशिश ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी और कानून तथा व्यवस्था के भंग होने की प्रत्येक स्थिति में अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों को कहीं ज्यादा कठिनाई इसमें होती है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगी, स्थिरता को यथास्थिति का पर्याय नहीं माना जा सकता, ना ही उसे मानना चाहिए। अगर वर्तमान असमानताएं बनी रहती हैं और बढ़ती हैं तो स्थिरता नहीं प्राप्त की जा सकती, और यदि हम लोगों की आशा आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तथा शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो घटनाएं हमें पीछे कर देंगी तथा यह सब परिवर्तन उससे कहीं अधिक उग्रता से होंगे जो आपने आज देखे हैं। आज हमारे
देश में तथा विश्व के अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि अधिक से अधिक अमीर समाज में भी एक तरह की बेचैनी का वातावरण है। जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा, और जो देश अभी हाल तक शांति और समृद्धि के गढ़ माने जाते थे, वे अब वैसे नहीं लगते। सभी देशों में एक नई पीढ़ी आगे आ रही है, जिसकी सोच और जिसकी मान्यताएं पुरानी पीढ़ी से नहीं मिलती जुलती। हमें बदलते हुए समय अनुकूल बनना है। तो ये 80 की स्पीड से हमने जो ये 400 वर्ड बोले हैं, इसको जो है आप अपने आउटलाइन को जो है हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर लें, और उसके बाद इस जो है वीडियो इससे मैच कर लें। अगर कोई गलत है तो उसकी आउटलाइन को कमेंट बॉक्स में, उसके वर्ड को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी आउटलाइन को हम आपको बता देंगे।